यूपी संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास अपने सभी 75 जनपदों में अपने साइबर थाने होंगे और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ, जिनमें 18 को हम पहले प्रारंभ कर चुके थे, शेष 57 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सभी 1523 थाने जो यूपी के अंदर हैं, इनमें साइबर सेल की स्थापना भी। अब कोई व्यक्ति साइबर क्राइम की चपेट में आएगा तो उसको कमिश्नरी मुख्यालय, रेंज मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, कमिश्नरी मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जहां पर जिस थाने में जाएगा वहां पर साइबर सेल होगी, उसकी विवेचना के लिए साइबर थाना होगा। ये सभी कार्य हर व्यक्ति को उसके गंतव्य में ही ये सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, हो जाएगी, और जहां भी उसका नजदीक का केंद्र होगा, स्टेशन होगा, वहीं पे सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग कर देंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यूपी का नौजवान यूपी के बाहर जाता था और उस समय नाम सुनते ही लोग उसको वहां से बाहर कर देते थे, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी जाएगा, उसको पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वह कहता है कि मैं यूपी से हूं तो सामने वाले बैठने के चेहरे पर भी एक चमक उठती है, दिखती है कि हां ये यूपी का है। यूपी भारत का हृदय स्थल, यूपी देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने वाला राज्य और देश के अंदर सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ प्रदेश, देश के अंदर सर्वाधिक पर्यटकों को अपनी ओर सुरक्षित आकर्षित करने वाला प्रदेश, देश के अंदर सबसे अधिक आर्थिक प्रगति के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश, सबसे अधिक निवेश लाने वाला प्रदेश और सबसे अधिक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश आज यूपी बन चुका है। इसमें यूपी पुलिस की बड़ी भूमिका रही। हम लोगों ने 1,60,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की ही भर्ती की, 1,50,000 के आसपास पुलिस कार्मिकों को प्रमोशन भी दिया। आप याद करिए कब से प्रमोशन नहीं हो पाए थे और प्रमोशन की भी जो स्थिति पिक एंड चूज था, पसंद है तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, मेरिट कहीं नहीं। ऐसे ही अन्य प्रकार के भेदभाव हुए थे, उन सब से अलग एक पूरी पारदर्शी और सुस्तापूर्ण तरीके से पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। यूपी पहला राज्य है जिसने इतने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। वे सभी आज कार्य कर रहे हैं, फील्ड में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हर एक स्तर पर की गई। पुलिस की भर्ती के साथ ही यह व्यवस्था भी की गई, हर जनपद से उत्तर प्रदेश के जवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए और भर्ती की इस प्रक्रिया को हम लोगों ने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग की क्षमता को भी हम लोगों ने 3 गुना किया। 1947 से पहले यानी यूपी पुलिस के गठन के पहले से लेकर के 2017 तक जितनी हमारी क्षमता थी, आज हमें हमारे पास उससे 3 गुना क्षमता है पुलिस ट्रेनिंग की। और कुछ ही समय के अंदर हर जनपद में हर पीएसी पानी के अंदर हम लोग ट्रेनिंग की एक अतिरिक्त क्षमता विकसित करेंगे। तब यूपी अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के अंदर की अन्य राज्यों के लिए भी और पैरामिलिट्री के लिए भी ट्रेनिंग की क्षमता अपने पास तैयार करके रखेगा। तो अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करिए। ये सभी कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किए।